नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RS गेमिंग जोन पर। मैं आपका दोस्त राहुल सैनी, और आज जो गेम मैं आपको दिखाने वाला हूं उनके ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं और गेम प्ले तो और भी ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है एक गेम के लिए आपको थोड़ा बढ़िया फोन चाहिए हो जिसकी कॉन्फिगरेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, कम से कम आपका 6 GB रैम तो हो, पर बाकी गेम आपकी मक्खन चलेगी। ज्यादा टाइम ना लगा के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो पहली गेम है वो एक जोम्बी गेम है जिसका नाम है अनकिल्ड। ये इस गेम का मेन मेन्यू है। इसमें आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिलते हैं जिनकी हेल्थ, आर्मर और स्पीड अलग अलग होती है। तो जब भी आप प्लेयर सिलेक्ट करें तो बिल्कुल ध्यान से करें कि आपको कौन सा प्लेयर सिलेक्ट करना है और कौन सा प्लेयर सिलेक्ट नहीं करना। इसमें हर प्लेयर की अपनी एबिलिटीज है, और इसमें जो ये वाली चीज है ना, ये मुझे इसमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि भाई करना है क्या, करना है इसमें और क्या नहीं करना। इसमें आप अपनी जोम्बिस की आर्मी बना सकते हैं अलग अलग जोम्बिस को चूज करके, और वो भी बहुत सारे हैं जोम्बिस इसमें, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसमें भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं पैसों से। अब बात करें गेम प्ले की तो भाई बढ़िया है, ग्राफिक्स भी सही है। आपको इसमें फर्स्ट पर्सन मोड मिलता है गेम खेलते टाइम। रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो रैम 2 GB होनी चाहिए, सीपीयू आपका होना चाहिए स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर 1.4 GHz, और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपका iOS 7 और Android 5। स्टोरेज चाहिए आपको सिर्फ 418 MB, सिर्फ 418। यार इतनी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। आज के टाइम पे तो आपको बहुत ज्यादा ज्यादा GB का स्पेस मिलता है, तो उस हिसाब से ये आपको ग्राफिक्स भी सही दे रहे हैं और गेम प्ले तो है ही इसका बढ़िया। तो चलते हैं अपनी अगली गेम की तरफ। अब जो मैं आपको गेम दिखाने वाला हूँ वो एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है जिसका नाम है हीरो हंटर्स। इसमें भी आपको डेली क्वेस्ट मिलते हैं, डेली लॉगिन रिवॉर्ड मिलता है, और जो भी आप मिशन करते जाओगे उन सब की अचीवमेंट्स मिलती हैं। इसमें आप शॉप में जाके फ्री क्रेट्स भी पा सकते हैं और उसमें से कुछ पेड भी हो सकती है। मिशन की बात करूं तो भाई बहुत सारे हैं अलग अलग मोड के साथ, बस उन सबको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप खेलते रहेंगे वो सारी चीजें अनलॉक होती रहेंगी। इसके स्टोरी लाइन में आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारे लेवल्स मिलेंगे। इसमें आप अपने अलायंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप क्लैन बनाते हैं ना बाकी गेम्स में, तो वैसे ही है। आप इसमें अपना अलायंस क्रिएट भी कर सकते हैं और दूसरों के ज्वाइन भी कर सकते हैं। प्लेयर इसमें बहुत सारे हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक्ड करना होता है। हर प्लेयर की अपनी स्पेसिफिक स्किल्स हैं और उसे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। प्रोफाइल में आपको अपनी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हीरोज में आपको अपने सारे हीरोज मिलेंगे जो आपने अभी तक अनलॉक कर रखे हैं। स्टैट्स में आपको अभी तक की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने गेम में क्या क्या करा है। इन्वेंटरीज में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके पास है और जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गेम प्ले में आप एक बारी में 5 प्लेयर यूज कर सकते हैं, मतलब जितने खुले होंगे आप उतने यूज करते रहेंगे। गेम प्ले की बात करूं तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हर चीज मिल रही है इसमें हमें, स्नाइपर, असोल्ट राइफल और भी बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो रैम इसमें ना ऑनलाइन दिखाई नहीं रखी भाई, बहुत ज्यादा चेक कर लिया पर मिली नहीं मुझे रैम कितनी चाहिए इस गेम के लिए। मेरी फोन की 6 GB रैम है तो पता नहीं कितनी GB रैम चाहिए, पर रिकॉर्ड सही हो गई मेरे फ़ोन में। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए जो आईफोन वाले हैं, iOS 9 से ज़्यादा होना चाहिए, या 9 भी चलेगा, और एंड्रॉयड वालों के लिए होना चाहिए 4 से ज़्यादा। स्टोरेज चाहिए आपको 131 MB, इतनी चाहिए, और जिस हिसाब से इसकी स्टोरेज है मुझे तो लगता नहीं, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसमें आपको रैम मैक्स टू मैक्स 2 GB चाहिए होगी, और 2 भी मुझे ज़्यादा ही लग रही है। तो अब चलते हैं अपनी अगली गेम की तरफ। अब जो मैं आपको गेम दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल पीसी गेम पेडे हाइस जैसी है, जिसका नाम है आर्म्ड हाइस। इसमें भी आप बाकी गेम्स की तरह आरपी खरीद सकते हैं जैसे आप बाकी गेम्स में खरीदते थे। इसमें आप अपनी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देख सकते हैं, आपकी वर्ल्ड वाइड कितनी रैंक चल रही है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जैसे आप बाकी गेम में क्लैन बनाते हैं, बिल्कुल सेम। इसके मैप की बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा ही बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है सही में। इसमें भी आप क्रेट्स और भी कैश खरीद सकते हैं। इसमें आपको 3 लोडआउट्स मिलते हैं जिससे आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। गन्स इसमें भी बहुत सारी हैं अलग अलग टाइप की, बस इसमें ये दिक्कत है कि वो सारी एक ही जगह पे अवेलेबल है, उसमें मतलब आपको ऑप्शन नहीं दे रखा होगा कि असोल्ट इसमें है, LMG इसमें है, जैसे बाकी गेम्स में दे रखा होता है। इसमें भी आपको सेकेंडरी वेपन्स के ऑप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे सेकेंडरी वेपन्स मिलेंगे, स्नाइपर, पिस्टल्स और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको इसमें। बाकी चीजें आपको खुद खोलनी पड़ेगी, जो लॉक्ड है इसमें। आप गेम खेलोगे तो वो सारी चीजें अनलॉक होती
चलती रहेंगी। गेम प्ले की बात करूं तो भाई गेम प्ले औसम है इसका, सही में औसम है। मैंने खेली है इसको और अब भी खेलता हूं। इसमें आपको रॉबरी करनी होती है और भी बहुत सारे मिशन हैं जिसमें आपको टास्क परफॉर्म करना होता है और उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो मिशन कम्प्लीट हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एंड्रॉइड की बात करते हैं पहले। रैम आपको चाहिए 3 GB, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको होना चाहिए एंड्रॉइड 5 या उससे ज्यादा, स्टोरेज चाहिए आपको 1.5 GB। अब iOS यूजर्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, रैम आपको चाहिए 2.2 GB और iOS आपको होना चाहिए 10 या उससे ज्यादा। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो iPhone 6s में चल जाएगी और iPad Air 2 उससे ज्यादा बढ़िया है तो चलेगी ही पक्का, पर इस गेम को आप ट्राई जरूर करना। तो चलते हैं अपनी अगली गेम की तरफ। अब जो मैं आपको गेम दिखाने वाला हूं वो एक रेसिंग गेम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कार्स गो। ये बिल्कुल वैसी गेम है जैसे आपको पीसी में दिखने को मिलती है प्रोजेक्ट कार्स वाली। इसमें भी आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस गेम को खेल सकते हैं। इसमें कार्स हैं वो टीयर के हिसाब से मिलती हैं आपको, मतलब कौन से टीयर में आप खेल रहे हैं अभी। जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में तो उस हिसाब से आपको सारी गाड़ियां दिखेंगी उसमें, बाकी जो टीयर से आपको खोलने पड़ेंगे, पर हर टीयर के हिसाब से आपको बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिलती रहेंगी जैसे जैसे आप गेम खेलते रहेंगे। आप इसमें कार को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप पूरी कार को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब कुछ भी आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसमें, जो उसका डिजाइन है वो भी आप इसमें कार को अपग्रेड कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्पीड हो या फिर इंजन हो या फिर उसकी मतलब कुछ भी चीज हो उसमें, टायर से लेके हर चीज आप उसकी अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको आगे गेम में फायदा होगा। गेम प्ले की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसमें ड्रैग रेसिंग भी है, ग्राफिक्स इसके बहुत ज्यादा मुझे रियलिस्टिक लगे। बस इसमें एक कमी है जो हो सकता है आपको भी खराब लगे कि ये टैप करके इसमें रेस करनी पड़ती है हमें, इसमें कोई मोशन वगैरह नहीं है, फिर आपको स्पेशली बटन नहीं दे रखे कि हाँ आप इसको वैसे खेल सकें। बाकी इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन ना मैंने हर जगह ढूंढ ली है पर नहीं मिली सही बताऊं तो, और ऑनलाइन भी मैंने देखी है तो उसमें वो बता रहे हैं कि कम से कम 3 GB तो होनी चाहिए जहां तक मैंने उसमें पढ़ा है, और ट्राई करके देखना यार चल जाएगी, क्योंकि मेरे में भी तो चल ही रही है, आप में भी चली जाएगी। ट्राई करने में क्या यार, हर चीज ट्राई करो जब भी तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है उस चीज में। तो अगर गेम बढ़िया लगी तो इसको भी ट्राई करना। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी गेम की तरफ, और अगली गेम तो बहुत ज्यादा धांसू होने वाली है, बहुत ही ज्यादा भाई मजा आ गया उस गेम को, मुझे खेल के बहुत मजा आया, तो आपको तो पता नहीं कितना ही मजा आएगा। चलते हैं फिर। अब जो मैं आपको गेम दिखाने वाला हूँ ये मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी है, मैं इसको रोज़ खेलता हूँ। इसका नाम है मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन। इस गेम में आपको वो सारे हीरोज़ मिलेंगे जो आपको मार्वल्स में मिलते हैं, पर आपको स्लॉट्स अनलॉक करने पड़ेंगे अगर आप उनके साथ खेलना चाहते हैं। इसमें भी आप पैसे दे के रॉयल पास खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको 3 लोडआउट्स मिलते हैं अपने प्लेयर की एबिलिटीज़ और कॉस्ट्यूम सेट करने के लिए। इसमें भी आपको बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं, 7 डेज गिफ्ट्स है, मंथली और डेली रिवॉर्ड्स तो है ही, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे आप फ्री में क्लेम कर सकते हैं। इन्वेंटरीज में जो भी चीज़ें अनलॉक हुई हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं, अपने प्लेयर को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह। अगर आपकी कोई नई स्किन खुली है या फिर कोई भी नई चीज़ खुली है प्लेयर की तो आप इसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। गेम प्ले की बात करूं तो भाई शब्द है ही नहीं मेरे पास, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी बढ़िया गेम प्ले है, ग्राफिक्स भी हैं, और ये मेरी पहली रोल प्ले गेम है फ़ोन की जो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है। इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं और सोलो भी खेल सकते हैं, ग्राफिक्स आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया हैं। मैं जो आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ ना अभी स्क्रीन पे वो अभी मीडियम ग्राफिक्स में, भाई हाई ग्राफिक्स में तो मेरे में अटक रही थी सही बताऊं तो। खेलो इस गेम को मजा आएगा। कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं आपको, रैम आपको 3 GB चाहिए भाई इसमें, और जो मैंने ऑनलाइन निकाली है ना कॉन्फ़िगरेशन उसमें बता रहे हैं कि जो डिवाइस चाहिए इनको चलाने के लिए वो सैमसंग S10 या उससे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, और आईफोन वालों के लिए आपको चाहिए iOS 11 या उससे बढ़िया होना चाहिए। अगर उससे बढ़िया है तो भाई गेम मक्खन चलेगी। वैसे मेरा जो मोबाइल है वो है रेडमी नोट 8 प्रो, मैं इसमें चला रहा हूँ, हाँ मीडियम पे चल रही है, हल्का फुल्का मुझे FPS ड्रॉप दिखता है, लैग तो नहीं होता पर दिखता है, हाँ हल्का फुल्का मुझे लगता है कि मजा नहीं आ रहा, पर भाई गेम बढ़िया है, ट्राई पक्का करना, मजा जरूर आएगा सही बता रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सारी गेम के डाउनलोड लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल RS Gaming Zone को। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जो एंड्रॉइड या iOS में गेम खेलता है, और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी चाहिए तो उसके लिए तो भाई बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, PC की भी लाता हूँ, मोबाइल्स की भी लाता हूँ, और अब मैं आगे जाके बहुत अलग अलग कंटेंट निकालूंगा आप सबके लिए। सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास पहुंचेगी वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।